हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के व्लॉग में। और गाइस, आज का जो व्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और भाई, आज जो है एक छोटी सी रोड ट्रिप कर रहे हैं अपन। हम चल रहे हैं आगरा। सो दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा का जो भी सीन है ना, आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। सारी डिटेल्स, सब कुछ, कहाँ पे क्या है और बेस्ट रूट भी बताऊँगा आपको जाने का, और उस रूट के बारे में भी। और जो है, वैसे तो हम चलने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे से। क्यों? क्योंकि अभी जो है मैं दिन के टाइम निकला हूँ, तो जो नॉर्मल वाला पुराना रोड है आगरा वाला, तो उस पर जाम होगा बहुत। सो इसीलिए यमुना एक्सप्रेसवे से चलने वाले हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा सीन आपको बताऊँगा, कहाँ पर पेट्रोल का या खाने पीने की या सारी जन सुविधाएँ वगैरह सब कुछ बताऊँगा आपको, तो वीडियो में बने रहना। सो अभी जो है मैंने पेट्रोल डलवा लिया है और अभी हवा डलवा रहा हूँ गाड़ी में। सो ये दोनों काम ट्रिप पे निकलने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो निकलते हैं हवा भरवा के। और ये भाई टायर फुल हो रहे हैं अपने, टंकी फुल हो चुकी है, टायर फुल हो रहे हैं। Later. और यहाँ से जो है स्टार्ट होता है सफर यमुना एक्सप्रेसवे पे जाने का। तो अभी जो है हम लोग नोएडा में एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। और गाइस, अभी जो है मैं जस्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंचा हूं, और ये पीछे बोर्ड है, वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है। और टाइम हो रहा है 12:30, और अब जो है यहाँ से सफर स्टार्ट होता है आगरा का वाया यमुना एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेस, ये जो एक्सप्रेस वे है, ये 165 किलोमीटर लंबा है और इस पर 3 टोल पड़ने वाले हैं। तो भाई, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना सफर। और मौसम भी जो है बहुत ही प्यारा हो रहा है, तो चलते हैं। और बाकी की जो डिटेल्स है सारी आपको आगे मैं बताता रहूंगा धीरे धीरे। और भाई, नितिन से मिलाना भूल गया था मैं, साथ में भाई है अपना। सो यमुना एक्सप्रेसवे पे एग्जैक्टली 34 से 35 किलोमीटर चलने के बाद जो है आपको पहला स्टॉपेज मिलेगा। और ये स्टॉपेज अगर आपको लाइक पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है गाड़ी में, या फिर कुछ खाना पीना है या फ्रेश वगैरह होना है, तो उसके लिए है, अगर रेस्ट वगैरह करना है तो। सो ये जो है 34-35 किलोमीटर के बाद जब आप चल लोगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो ये पड़ेगा। और यहाँ पर जो है मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टार्ट होगा जितने भी अपने नेशनल इंटरनेशनल रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े फूड चेन्स हैं। सो वो यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होंगे। और क्या क्या है भाई, दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो है ये अपना हाईवे मसाला पड़ता है। और इससे आगे जो है, आप थोड़ा सा इससे आगे जाओगे तो आपको दिखेगा स्टारबक्स कॉफ़ी। सो अगर आपको कॉफ़ी वगैरह लेनी है तो भाई स्टारबक्स आपको पता ही होगा। और उसके बाद जस्ट पड़ता है जोली गो, एंड उसके जो बाद है वो है बर्गर किंग। और उसके साथ ही और भी यहाँ पे हैं, लाइक सबवे है, डोमिनोज है, बरिस्ता है, सारी चीज़ें हैं। तो भाई, ये तो वो चीज़ें हो गई जो अगर आप इन रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है। अब इसके जस्ट आगे पेट्रोल पंप है, जहाँ से आपको अगर पेट्रोल पंप, अगर आपने नई पेट्रोल या डीजल भरवाना है या भरवा नहीं पाए हो, तो यहाँ से आप जो है भरवा सकते हो। और फिर इसके आगे जस्ट भाई, जो लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर नहीं करते, ढाबा ढूंढते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे है ढाबा, बिल्कुल नॉर्मल और अच्छे रेट्स में। और उसके साथ ही यहाँ पे वर्कशॉप और गैराज भी है, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे सही करा सकते हो। और भाई, मैं पर्सनली खुद यहाँ पे सही करवा चुका हूँ। एक बार मेरी गाड़ी जो है ख़राब हो गई थी एक्सप्रेसवे पे, तो मैंने यहीं पे आके रात को 2 बजे अपनी गाड़ी बनवाई थी, और ये 24 आवर्स खुला रहता है। और साथ ही भाई, यहाँ पर जो है ड्राइवर, रेस्ट रूम वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो मतलब कोई टेंशन की बात है ही नहीं, सुविधाएँ यहाँ पर सारी है। और वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, अच्छी से अच्छी और नॉर्मल से नॉर्मल।
और गाइज ये जो चीज़ है ना, ये सारी जो हमारा पहला टोल पड़ता ना उससे एग्जैक्टली 2 किलोमीटर पहले है। अभी जस्ट आप 2 किलोमीटर आगे आओगे तो आपको पहला टोल मिलेगा जो कि है जेवर टोल प्लाजा, और इस टोल के चार्जेस हैं 120 रुपये। और अगर आपने बाय चांस पीछे वाला ढाबा मिस कर दिया है तो जैसे ही आप टोल क्रॉस करोगे तो जस्ट उसके बाद ही ये काफ़ी फेमस ढाबा है शिवा ढाबा, सो जस्ट टोल क्रॉस करने के बाद ही ये पड़ता है। और ये मतलब काफ़ी फेमस ढाबा है और यहाँ पे जो रेट्स वगैरह है बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप यहाँ चाहो तो खाना पीना खा सकते हो और यहाँ वॉशरूम वगैरह सारी सुविधाएं हैं, बस यहाँ पे पेट्रोल पंप्स वगैरह नहीं है। A few moments later. और ये आ गया सेकंड टोल प्लाजा जो कि है मथुरा का टोल प्लाजा। तो हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं और यहाँ के चार्जेस हैं 155 रुपये। सो अभी अभी जो है मथुरा का जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस किया है हमने, और क्रॉस करते ही आपको जो है एक रेस्टोरेंट मिलेगा, ये यात्री प्लाजा करके है। और ये जूम करके दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पे लाइक मतलब टॉयलेट्स वगैरह गन सुविधाएं सारी, और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट है। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, तो यहाँ पे जो खाने पीने का सीन है थोड़ा मतलब रेस्टोरेंट वाला है, थोड़ा महंगा है हल्का। और दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको खाना खाना हो ठीक है और चीप खाना हो, तो भाई मतलब चीप अगर ढूंढ रहे हो आप तो चीप भी अवेलेबल है, और रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो तो रेस्टोरेंट भी अवेलेबल। चीप कहाँ अवेलेबल है, जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेस वे पे 60-70 किलोमीटर पार करोगे ना, तो उसके बाद आपको ना रोड के साइड में मतलब ये जिस रोड पे आप चल रहे हो इसके लेफ्ट साइड में देखते हुए चलना है। तो मतलब जगह जगह पे ना आपको कहीं कहीं दूर दूर पे ढाबे मिलेंगे, बिल्कुल मतलब प्योर ढाबे जो सस्ते वाले होते हैं, जहाँ पे खाना काफ़ी सस्ता मिलेगा। तो वो क्या है, आपको देखना पड़ेगा और देख के चलना पड़ेगा, और जहाँ मतलब दिख जाए तो आप वहाँ पे गाड़ी जो है आपको इसी रोड पे पार्क करके, इसी पे रोड पे पार्क करके और वहाँ से थोड़ा नीचे उतर के जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। तो अभी निकलते हैं आगे, अपने को कुछ लेना नहीं है, वरना लेता तो आपको दिखाता, बट नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। और एक चीज़ और अभी तक ना मतलब सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप आया है जो कि मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद अभी तक मथुरा पहुंच चुके हैं हम, कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इंद्रावन पेट्रोल पंप। और इधर जो है लेफ्ट साइड में सारे रेस्टोरेंट है, फूड कोर्ट है, सबवे, कोस्टा कॉफी, पिज्जा हट वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जो है ये आया एक सेकंड पेट्रोल पंप, सो ये जो है इस रास्ते का दूसरा पेट्रोल पंप है, तो अगर आप कभी पीछे चूक जाओ तो यहां से डलवा सकते हो। और ये वृंदावन के आसपास है, मथुरा से तकरीबन हम 10-12 किलोमीटर आगे चल चुके हैं, उसके बाद ये सारा सीन है। और यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट वगैरह सारे फूड चेन के, और यहाँ पे जो है वर्कशॉप भी है, अगर आपकी गाड़ी कुछ ख़राब हो गई हो, कुछ काम करवाना हो, पंचर वगैरह लगाना हो तो वो भी है। और छोटे ढाबे भी हैं यहाँ पे, ये रहे, नाश्ता वगैरह करना हो कर सकते हो, और खाना वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ। सो ऐसे ऐसे ढाबे जो है साइड में बने हुए हैं, और ये देख सकते हो गाड़ी जो है रोडों पे खड़ी है और लोग खाने के लिए नीचे उतर के गए हुए हैं, तो इन्हीं ढाबों की मैं बात कर रहा था। और ये आ गया लास्ट टोल, आगरा वाला टोल, और यहाँ का जो है 140 रुपये टोल चार्ज है। और भाई सारे टोलों पे जो है फास्टैग चालू है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो ये जो है लास्ट रेस्टोरेंट है इस एक्सप्रेस वे पे, ये जस्ट जो है आगरा का जो टोल प्लाजा है उसको क्रॉस करते ही ये आपको दिख जाएगा, और ये लास्ट रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे जो है पेट्रोल पंप वगैरह नहीं है, सिर्फ रेस्टोरेंट है और उसके साथ में जो है वॉशरूम है।
ये ध्यान रखना, ऐसे जो भी बोर्ड आते हैं ना, इनपे कैमरास लगे हुए हैं, स्पीड कैमरास। तो मतलब अगर आप ओवर स्पीड हो तो उस चीज का ध्यान देना, नहीं तो चालान जो है कट सकता है। सो गाइस, इस कट को जो है ना, और ये जो बोर्ड है इसको याद कर लो, आपको यहीं से लेफ्ट लेना है। और यहाँ पे भाई कई बार कन्फ्यूजन आती है, क्योंकि आसपास में एक दो कट और हैं, तो क्या होता है हम लोग आगे निकल जाते हैं, पता नहीं लगता किधर जाना है। और इवन मैं एक दो बार भाई आगे निकल गया हूँ, तो क्या है फिर मैप का सहारा लेके पीछे आना पड़ता है। तो भाई आप जो है याद कर लो इसको। अभी जो है मैं पहुंच चुका हूं आगरा, और भाई ये वाला जो व्लॉग है ये कंप्लीट हो गया। और ये अपना यमुना वाला रोड जो है ये थोड़ा बड़ा पड़ता है, क्योंकि भाई एक्सप्रेसवे है, जाम नहीं कुछ नहीं, और आप मतलब बहुत सुगम साथ जा रहे हो। और जो पुराना वाला जो रूट है उसको आप जो फरीदाबाद से अपने दिल्ली के आश्रम से होते हुए जो जाता है, मैप को फॉलो करते हुए आप उस रूट से भी आ सकते हो। और वो रूट जो है रात में या उस टाइम जिस टाइम जाम नहीं होता, पब्लिक का आना जाना कम होता है, उस टाइम के लिए वो बेस्ट रूट है, अगर आप आना या जाना कुछ भी करना चाहो तो। ठीक है, तो मुझे जो है तकरीबन 2 घंटे लग गए वहाँ से यहाँ आने में, और वो भी मतलब इसलिए क्योंकि मैं बीच बीच में व्लॉग जो है आपको सारी डिटेल्स शूट करके दे रहा था, इसलिए। नहीं तो भाई मैं तो मतलब 1.5 घंटे में गाड़ी जो है जो अपना यमुना एक्सप्रेस है वहाँ से शुरू होता है और जहाँ एंड होता है वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। और भाई मैं जो है ना मतलब थोड़ा जल्दी में था, इसीलिए जो है सारी चीज़ें मैं आपको मतलब फटाफट दिखाई है, मैंने गाड़ी में से ही दिखाई है उतर के, लाइक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया रेस्टोरेंट वगैरह, बट मैं पहले घूमा हुआ हूँ सब जगह, और भाई सब बेस्ट हैं, जहाँ चीप मिलेगा वो भी बता दिया आपको। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कुछ भी, अगर जो मैंने बताया हो इन्फॉर्मेशन उससे हटके अगर कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा तुरंत। कुछ भी आपको पूछना हो अपने दिल्ली से आगरा तक के लिए वाया यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है। सो ये वाला व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो ये व्लॉग पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ में घंटे का आइकन होगा उसको भी दबा देना और शेयर कर देना। ऑलराइट, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।